नमस्कार, अनन्यास कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, वो एलमंडा का पौधा मैं लास्ट वीक आप लोगों के साथ शेयर की थी, रिपोर्टिंग की थी, उसमें ये देखिए फूल खिले हैं। आज मैं अपने छत पे आई थी तो सोची कुछ थोड़ी सी वीडियो करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रही मेरी चांदनी, इसको मैंने 2 दिन पहले रिपोर्टिंग की हूँ, इसका वीडियो नहीं बनाई हूँ, उसी तरह से रिपोर्टिंग की हूँ। मिट्टी, गोबर, खाद और बालू से ये कुछ पौधे मेरे। ये रही गुलदाउदी, हम लोग चंद्रमल्ली का भी कहते हैं, इसको मैंने कटिंग की थी, ऊपर से पोनिंग कर दी थी, अब वो झाड़ बन गई है, देख रहे हैं ना। और देखिए इसमें कली भी निकल आई है, देखिए कली भी आ गई है। ये भी रजनीगंधा, आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं दिखा रही हूँ। ये सदाबहार है, 2-3 तरह के कलर है, देखिए आप लोगों को अच्छी लगे। बहुत छत पे जो भी है प्लांट मेरे, खासकर जमीन में ही मैं लगाती हूँ, फिर भी मन होता है तो टेरेस में कुछ लगा लेती हूँ, थोड़ी बहुत छोटे पौधे। ये देखिए एक कोल्ड ड्रिंक्स का प्लास्टिक का जो वेस्ट पड़ा हुआ बॉटल रहता है, उसको कट करके मैंने रजनीगंधा लगाई थी इसमें। इसमें स्टिक भी निकल गए है गर्मी में, नीचे से कुछ होल बना दिया था। और ये तो हमारा किचन का सामान है ना, देखिए तो सही क्या है। ये देखिए, ये एक प्लास्टिक का बाउल था जो क्रैक हो जाने के बाद मैं इसे इस तरह से इस्तेमाल की हूँ, और ये साल भर हो गए इसमें। मैं कुछ एलोवेरा लगाई हूँ, काफी सारे एलोवेरा मेरा इस समय हुआ है। ये पिटूनिया भी खिला हुआ है, गर्मी का पिटूनिया है ना, इसका एक बेबी प्लांट भी निकला हुआ है। ये देखिए बेबी प्लांट भी निकल गया है। इसके बीज को तो हम लोग कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल होती है इसके बीज को कलेक्ट करना, इतने छोटे होते हैं, फिर भी थोड़ी बहुत कलेक्ट करती हूँ और उसी में से जो मिट्टी में गिरे तो वो बन गए। ये रही नींबू का पौधा जिसमें आए थे बहुत सारे नींबू आए थे, फूल तो काफ़ी सारे थे, अभी लास्ट में ये अंतिम बचा हुआ एक ही नींबू आज मैं वीडियो कर रही हूँ, तो आप लोग भी देखिए। ये रही अपराजिता की बेल जिसको मैंने दिखाया था अभी आप लोगों को। देखिए हिबिस्कस का एक फूल आज खिला हुआ है। ये एक टूटी फूटी पालती जिसमें मेरा लिली, मनी प्लांट, बैम्बू का प्लांट है, दिसंबर फ्लावर है और अपराजिता का बेल भी इसमें आ गया है। ये रही रजनीगंधा, ये
गुलाब, देशी गुलाब है मेरा ये, इसकी कटिंग मैं काट के जमीन पे लगाई थी। ये ग्रो हो जाने के बाद, इसके रूट निकल जाने के बाद मैं इसको पॉट में लगाई हूँ। ये मेरा एक बड़ा सा पौधा है, उसी से कटिंग करके मैं इसको लगाई हूँ। ये बहुत सेंटेड होता है ना देशी गुलाब, तो मुझे बहुत पसंद है। नीम भी कोई पॉट में लगाने का पौधा है। देखिए मैं कितनी बुद्धू हूँ, है ना, क्या करूँ। इतने सारे बेबी प्लांट जो निकले हुए थे मेरे जमीन पे, मैं उसको एक लाई और मेरा ये पॉट खाली पड़ा हुआ था, मैं इसमें लगाई हूँ। क्या कर दी, लगा दी हूँ। हरा भरा तो बना है ना मेरा छत। और देखिए ये भी एक डब्बे में है रजनीगंधा, खूब अच्छे से ये ग्रो हो रहे हैं। ये रही ये बॉटल में स्नेक प्लांट, बस इसको कट करके मैंने लगा दिया। मेरा तो स्नेक प्लांट आप लोग देख चुके हैं मेरा पिछले वीडियो में। अगर देखना चाहेंगे तो मेरा पिछला वीडियो आप सर्च कर सकते हैं, स्नेक प्लांट के ऊपर है। देखिए कितनी अच्छी तरह से यहाँ ग्रो हो रहा है इसका। और ये रही सूखी टहनी, ये तो कड़ी पत्ता है, पता नहीं क्या ये सूख रहा है पूरा, पता नहीं क्या। यहाँ एलोवेरा यहीं से मैं सीड करके लगाई हूँ। एलोवेरा मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, बहुत सारे एलोवेरा निकले हुए थे मेरे। आज छत पे आई तो आप लोगों के साथ शेयर करने का खूब मन किया, तो आप लोग बहुत खुश रहे, अच्छे रहे और स्वस्थ रहे और खूब सारे पौधे लगाए। ये है अडेनियम, फूल खिल चुके हैं इसके अभी। और इसका एक कटिंग मैं लगाई थी, देखिए ये भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है यहाँ पे कटिंग। अडेनियम जब भी हम लोग काटेंगे ना, तो उसको अगर लगा दें तो वो भी उसमें भी फूल खिल जाते हैं। बस इसका उसका कॉटेक्स बड़ा सा मोटा जैसा नहीं होता है, लंबे स्टेम में ही रहते हैं, लेकिन वो भी एक अच्छा ही लगता है, फूल तो खिलते हैं ना। ओके फ्रेंड बाय, अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ। आप सब इतने देर से मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और जो भी नए सब्सक्राइबर है मेरे इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। जो जुड़ गए हैं सबको दिल से धन्यवाद, और जो नहीं जुड़े हैं अभी तक जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो का आप लोगों के पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा, दोस्ती बन जाएगी सबके साथ। ओके बाय, फिर मिलती हूँ।